पिछले कुछ दिनों से हमने और चीज़ों को थोड़ा जब देखा कि हमारे जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, जिसमें उत्तराखंड है, जिसमें पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, दिल्ली है, जो पड़ोसी राज्य हैं, वहाँ पर शिक्षण संस्थाओं को बंद करने की जो है वो बात आई और वहाँ पर संस्थान बंद भी किए गए। ऐसी परिस्थिति में हिमाचल पूरे उत्तर भारत में एकमात्र ऐसा प्रदेश रहता था जहां पर अभी तक हमने शिक्षण संस्थान जो है वो बंद नहीं किए थे। अभी तक उन्हें जो एडवाइजरी जारी की थी उसमें सोशल गैदरिंग्स और उसमें धार्मिक बड़े जो आयोजन, ऐसे जो मेले हैं, त्यौहार हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के एडवाइजरी जारी की थी। पिछले कल से बहुत सारे लोगों के फोन संदेश, फोन पर हमको बार बार इस बात को लेकर के पूछा जा रहा था। बच्चे भी जो स्टूडेंट्स हैं विद इन स्टेट और स्टेट से बाहर भी कहीं छुट्टी पर गए हैं, वो भी इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि बाकी प्रदेशों में स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए, क्या हिमाचल प्रदेश में भी आप बंद कर रहे हैं। और कुछ पेरेंट्स ने भी हमको इस बात को लेकर के जो है बहुत सारी फोन पर जो है बात कही कि भी हिमाचल प्रदेश इस बात को लेकर के क्या सोचने जा रहा है। और हमने आज अपने मंत्रिमंडल के सहयोग से और यहाँ तक के मैंने विपक्ष के नेता से भी इस संदर्भ में बातचीत की, और बातचीत करने के बाद जो है मोटे तौर पर हम सब लोगों की एक सहमति बनी कि फिलहाल हमको सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और जिसका मैंने जिक्र किया है माननीय सदन में कि वो संस्थान जो है 31 मार्च तक जो है वो बंद किए जाएंगे। और पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश में बारिश भी ज़्यादा होने के कारण जो है उसके कारण भी इन दिनों में ये सर्दी जुकाम के मामले और ज़्यादा बढ़ते हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण, तो इस दृष्टि से एहतियात ये सारी चीज़ें करनी आवश्यक थी। और इसके साथ और चीज़ों को लेकर के जो हमने आज आग्रह किया है कि नवरात्रे आने वाले समय में शुरू होने वाले हैं और नवरात्रों में हमारी धार्मिक आस्था है, श्रद्धा है, मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में जो आयोजन होते हैं उसमें हमारा बड़ी संख्या में लोगों का पार्टिसिपेशन रहता है। एहतियात के तौर पर वहां पर भी जो मंदिर कमेटियां हैं उनको भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी आज हम जारी कर रहे हैं सारे इस संदर्भ में कि क्या क्या प्रिकॉशंस वहां पर लेने की आवश्यकता है। अनावश्यक रूप से बहुत ज़्यादा गैदरिंग जो है जो अवॉइड की जा सकती है उसको अवॉइड करें, और उसके साथ साथ में प्रॉपर जो प्रोटोकॉल सारा इस सारी चीज़ के लिए जो कहा गया है इस परहेज की दृष्टि से, तो उसको भी वहाँ पर फॉलो किया जाए, ये भी हमने बात कही है। जहाँ तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और सेंट्रल स्कूल की बात कही है, वो अधिकार क्षेत्र हमारा सीधा नहीं आता है, लेकिन हम इस बात के लिए आग्रह जरूर करेंगे कि वो भी जो है इस सारे संदर्भ में निर्णय ले, क्योंकि बहुत सारे प्रदेशों में इस संदर्भ में निर्णय लिया है।